खींच के बाहर निकाल देगी इसका बस चले तो आज ही। हाय एवरीबॉडी, दिस इज साची गोयल एंड ही इज माय हस्बैंड राहुल गांधी। राहुल को ओके सो इन टुडेस वीडियो आई एम गोइंग टू डू अ हस्बैंड टैग। वी आर गोइंग टू हस्बैंड टैग एंड हस्बैंड टैग में जनरली क्या होता है कि वाइफ हस्बैंड से क्वेश्चन पूछती है। तो ये हमारी ऑफिशियली फर्स्ट कपल वीडियो है। तो हम लोग काफी सालों से साथ में हैं, लाइक वी वर इन क्लास 11th, हम 10th में थे जब हमने एक दूसरे को जब हम एक दूसरे से मिले, फ्रेंड्स बने, एंड देन हमारी स्कूलिंग साथ में थी, हमारा कॉलेज साथ में था, फिर अब हमारी शादी हो चुकी है तो हम अभी भी साथ में हैं, टच बोर्ड, और भगवान करे हम ऐसे ही साथ में रहे हमेशा हंसी हंसी। तो इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू डू हस्बैंड टैग, और हस्बैंड टैग में मैं राहुल से कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ रिलेटेड टू आवर पास्ट या प्रेजेंट व्हाटएवर। तो लेट्स सी राहुल मुझे कितने अच्छे से जानता है, उसको हमारी सारी बातें याद हैं या नहीं है, या फिर हवा में तो नहीं थी, या फिर जो भी है। कि इतने साल में अगर मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और तुम्हें मेरे पे डाउट है ना, मुझे डाउट नहीं है, ये तो एक ट्रेंड है यूट्यूब चैनल पे, लोग कपल अपने हस्बैंड से वाइफ से इंट्रोड्यूस कराते हैं और इसके थ्रू मतलब जो हमारी ऑडियंस है उनको हमारे बारे में थोड़ा और ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। तो ये 11 साल फिजूल ही गए। हाँ नहीं है, मुझे डाउट नहीं है तुम्हारे ऊपर। ओके तो मेरे पास मेरे फोन में कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं राहुल से पूछने वाली हूँ। ये वाइफ टैग नहीं है, हस्बैंड टैग है। तो क्या हुआ, मेरे को भी तो क्वेश्चन पूछने का है। ठीक है, तुम्हारा मन करे तो पूछ लेना, लेकिन मैं वो कट कर दूंगी। ओके, विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ये ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, कौन बनेगा करोड़पति का? व्हेन डिड वी मीट? व्हेन डिड वी मीट मतलब वी वांट ईयर और लोकेशन और मंथ, जो भी तुम्हें याद है। ओके, सो वी मेट इन आवर वन ऑफ आवर मैथ्स ट्यूशन एंड आई गेस इट वाज स्टार्टिंग ऑफ 10th एंड मे बी आई गेस इन 2006 वी मेट, बिकॉज 2007 में हमने 10th पास करी थी हम लोग। इन शॉर्ट 10th क्लास में मिले थे, मैथ्स ट्यूशन में मिले थे एंड बस राहुल ने रेड कलर की शर्ट पहन रखी थी, यूएस प्रिंट वाली, मैंने ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था और मुझे राहुल बिल्कुल पसंद नहीं आया था। कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा। योर फर्स्ट ओपिनियन ऑफ यू, क्या सोचा था मेरे बारे में जब मुझे देखा था? फर्स्ट ओपिनियन ये था कि काफ़ी इंटेलिजेंट लड़की है और जनरली लड़कों से बहुत कम बात करती थी एंड आई डोंट नो में कुछ डाउट्स वगैरह के डिस्कशन होने लगे एंड आई यूज्ड टू टीज हर। हु सेड आई लव यू फर्स्ट? ऑफ कोर्स शी। मैं तो पहले ही बोल दिया कि मैं तो फ्रेंड के तरीके से सोच रहा था, बट इसने कहा कि नहीं आगे बढ़ता है हमारा रिलेशन, आगे बढ़ना चाहिए, तो मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा तो कुछ भी नहीं है कि तुमने कुछ भी सोचा था, शरीफ मत बनो यार राहुल। अब ठीक है, यस फीलिंग्स थी, पूरा फीलिंग वीलिंग्स कुछ नहीं यार, हद है यार। शी पोज रिक्वेस्ट, पर ऐसा मैंने तो कुछ नहीं सोचा था, मैंने भी कुछ नहीं सोचा था, फ्रेंडशिप है ना, पूरी लाइन दे रहे थे तुम, अब पूरा कर रहे हो लाइन दे रहे, व्हाट डू मीन बाय लाइन दे रहा था जवाब देना एकदम से पलटवार।
सबको पता चल जाएगा हमारी जान को नहीं जान। अरे उचित व्हाट कलर आर माय आईज? ब्लैक वॉइस ब्राउन है वो तो चलो लाइट का रिफ्लेक्शन से दिखती है बट ऑलमोस्ट ब्लैक है। व्हाट्स माय शू साइज? 6। यस। व्हाट फिल्म ऑलवेज मेक्स मी क्राई? इमोशनल फिल्म माँ का शादी का सीन आ रहा हो या फिर कोई लोग मर रहे हो कुछ लोग मर रहे हो शी गेट यूज्ड टू इमोशनल कोई फिल्म का नाम बताओ तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि मैं देख के रो रही हूं या फिर इमोशनल ज्यादा बहुत सारी हैं ऐसे तो इमोशनल सीन्स तो ऑलमोस्ट बागवान होगी हां प्लीज बागवान में तो मैं कभी भी नहीं रोई जिंदगी में वो बूढ़े लोग रोते हैं उसमें मैंने कभी नहीं रोई हां इमोशनल मूवी है बट जनरली बहुत सारी मूवी है जिसमें मतलब भी different emotional scenes होते हैं so I didn't remember मैंने movie का नाम पूछा है अच्छा अभी आ रही थी recently मैंने प्यार किया so जब मैंने प्यार किया मैं कब रोई तो ना कुछ भी जवाब अभी तो रो रही थी जब सलमान खान वो बोला था वो तो मैं ऐसे ही डांस कर रही थी कितना emotional scene है but literally मतलब अंदर से जो रोना आ रहा हो मेरे को जल्दी विदाई के विदाई का movie वो विदाई विदाई माँ का सीन जब होता है या पापा का सीन भी होता है एक वो नीरजा मूवी का जो सीन था वो मेरे लिए अब तक का सबसे ज़्यादा हेवी मोमेंट था मतलब उस टाइम तो इतने ज़्यादा रोना आ रहा था मेरे को। व्हाट्स माय फेवरेट सॉन्ग? अच्छा सॉन्ग्स मुझे याद आया एक वो वाला सॉन्ग जो हम मतलब पहले तुम सुनाते थे जब मैं गुस्सा हो जाती थी वो वाला होता एक सॉन्ग था ना पहले जब मैं गुस्सा हो जाती थी तो तुम गाते थे अच्छा तू जान है अरमान है दुल्हन हम ले जाएंगे का सॉन्ग बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है अरमान है मेरे प्यार की पहचान पर थोड़ी थोड़ी तू मेरा तो पहले हमारी कभी भी लड़ाई हुई तो राहुल मुझे यही वाला सॉन्ग गा के मनाता था हमेशा अब पता नहीं कहाँ गए वो दिन इतना दिन हो गए हमें नाराजगी नहीं होती है ना मतलब मैं मैच्योर हो गई हूँ शादी के बाद इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है मेरे ऊपर तो मैंने बचपना छोड़ दिया है What is the first thing that I do in the morning? क्या होता है? Depend करता है। क्या होता है? Depend करता है कि मेरे साथ हो या नहीं हो। दो चीजें बता दो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। She is with me, then she used to hug me in the morning. So after that, she used to cook. Yeah, she used to prepare green tea. वो तो उसकी on and off अगर यहाँ है तब भी नहीं है तब भी green tea. ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे मिला जिसका आंसर मुझे पता है क्या मिलेगा मुझे ओके हु इज द डोमिनेंट वन इन आवर रिलेशनशिप नहीं झूठ बोला था मैंने ताकि ये खुश हो जाए बट शी इज डोमिनेटिंग मी तुम ही डोमिनेंट हो जी हाँ किसी से भी पूछ लो दिव्या से फोन करके स्पीकर पे फोन ऑन करके पूछते हैं एक बार उससे यस बट इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन अगर इसको अपने कोई बात में मानी होती है सो शी ऑलवेज यूज्ड टू गेट एंड मैं हां सम टाइम्स सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम तुम रहते हो ओके जब भी हमारी आर्गुमेंट होती है तो सबसे ज्यादा किस टॉपिक पे हमारी आर्गुमेंट होती है इस टॉपिक पे घूमने फिरने से रिलेटेड ही होती है या एक्सपेंडिचर्स जो मैं फ्रेंड्स के साथ घूमने जाती तब ज्यादा आर्गुमेंट होती है हाँ घूमने फिरने मतलब एक्सपेंडिचर्स एंड एक्सपेंडिचर्स के तो नहीं करते हो तुम कभी भी मेरे से आर्गुमेंट ट्रैवलिंग नहीं शॉपिंग कितनी बार करने गई हो लेकिन तुम अरे इतना खर्चा क्यों किया बस यही बोल के तुम मतलब राहुल को छोड़ के कहीं जा रही हूँ घूमने तो आर्गुमेंट होता है अगर राहुल उस ट्रिप में है इन्वॉल्व है तो नहीं होगा आर्गुमेंट मुझे तो ये लगता है ना अकेले ना बाजार जाया करो नजर लग जाएगी who is the more ऑर्गेनाइज्ड वन इन आवर रिलेशनशिप यस ये सब मैसेज है करती है मैं इसको बहुत सुनाता हूँ ये खराब पड़ा ये यहाँ पड़ा है वैसे पड़ा ये सही करो वो सही करो सो
मैंने तो आज तक किसी सुना नहीं कि वो मैसी उसे हो गया ना। नहीं, मेरे चेन्नई वाले फ्रेंड्स नुपुर, छाया, विजय, शैवी, प्लीज कमेंट करके सबको बताओ हु इज द मोर ऑर्गेनाइज्ड वन। वो घर पे नहीं रहते ना, वो घर पे देखते नहीं है क्या? वहाँ मेरा चेन्नई वाला रूम कितना, वो भी मैं ही कहता हूँ कि कर लो साफ, अदरवाइज तो इसका बस चले तो ये तो साफ ही नहीं। कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसी लाइन जो मैं यूज करती हूँ तो वो अनॉय करती हूँ किसी लाइन से, सो 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 क्या सो? वो तो यूट्यूब से रिलेटेड है, सो ही होता है मेरी ऑडियंस। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सो का प्रयोग ज्यादा करती हूँ? और बस सो ही तुम्हें रिलेट करता है। चलो अच्छी बात है, मत बताओ। व्हाट इज द वन थिंग आई एम रियली बैड एट? गाने गाती जाती है और सबसे अच्छी बात तो यही है ना कि तुम्हें ये प्रिविलेज मिला है मेरे गाने सुनने का, वरना मैं किसी के सामने नहीं गाती हूँ। मैंने कभी किसी को कोई सॉन्ग नहीं सुना है। और राहुल जब मैं बोलता था कि यार कोई सॉन्ग सुना दो, सो स्टार्टिंग में बहुत बोलता था मुझे एक गाना सुना दो तो मैंने ना बहुत हिम्मत करके एक सॉन्ग बहुत अच्छे से रियाज करके लर्न करा और सारे सुर वगैरह पकड़ने की कोशिश करी, जरा जरा और बोला सॉन्ग मैंने पैर किया और फिर मैंने राहुल को सुनाया। और एक वो तो दिन बहुत अच्छा लगा था, यहाँ पहला सॉन्ग मुझे सुनने को मिला, बट मुझे नहीं पता था कि जिंदगी भर मुझे सुनने को मिलेगा। एक वो सॉन्ग था और एक अब एक वो टाइम था और अब ये टाइम है, द लेटेस्ट एंड द रिवाइज्ड वर्जन। यस अच्छा ठीक है, इट्स ओके। हां तुम्हें अच्छा ही लगता है अंदर ही अंदर, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। बाहर से तुम चाहे कितने बहाने मारो मुझे बताइए, क्योंकि अगर मैं गाना बंद कर देती हूँ खुश नहीं बन ठीक हो ना। मेरा नेक्स्ट ट्रैवल प्लान क्या है? ट्रैवल प्लान लिस्ट 1 2 3 4 5 बहुत सारी लिस्ट बनाई थी, वो तो बेचारा कोविड की वजह से रह गई कुछ चीजें, बट नेक्स्ट था पहले मुंबई, भूटान। भूटान था पहले, जून में भूटान था, अगस्त में मुंबई था, फिर सिंगापुर था, तो हर महीने दो तीन ट्रिप मारे और फर्स्ट मूवी वी सॉ टुगेदर। ऑल ऑफ अ सडन मेरे अंदर से निकला आयशा टाकिया की मूवी थी ना, आयशा टाकिया की मूवी थी, शाहिद कपूर था, आयशा टाकिया की। थोड़ी देर के लिए हम गए थे और तुम्हारा फोन आ गया तो हम लोग वापस आ गए थे उस मूवी में से। यार क्या नाम था उस मूवी का, अभी तक तो याद था। मूवी थी वो थी फूल एंड फाइनल, फूल एंड फाइनल, यस फूल एंड फाइनल, फूल एंड फाइनल यार। राइट, तुम्हें कौन सी याद थी? मुझे याद आई थी जिसमें तुम घर से भाग के आई थी मेरे लिए। डोंट टेल दिस, मतलब मूवी देखने के लिए घर से भागना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरी तीन फेवरेट वेब सीरीज कौन सी? तीन फेवरेट वेब सीरीज, फ्रेंड्स, गेम ऑफ थ्रोन्स, महाभारत। महाभारत मेरी फेवरेट नहीं है। अब तो यही चल रही है भाई, अभी वो चल रही है, बिकॉज आई जस्ट वांट टू नो अबाउट दिस एपिक। पता होना चाहिए ना कि क्या है महाभारत में, कौन सा किरदार है, क्या है क्या नहीं है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि मुझे नॉलेज होनी चाहिए, कोई मुझसे पूछे तो मुझे पता हो। जस्ट फॉर दैट आई एम वॉचिंग। दो तो सही है, हाँ दो ठीक है। गेम ऑफ थ्रोन्स ठीक है, बट ऐसे कुछ नहीं कि वो फेवरेट है, मैं हर टाइम उसको देखती रहूँगी, एक बार देख ली ओके अच्छा था, बट फेवरेट लिस्ट में मैं उसको नहीं बोलूँगी। तुमने एक ही टिक बताया अभी तक, फ्रेंड्स। एक और था देखा था, कोई याद नहीं आ रहा, इसने भी बीच में देखा था। वही तो बात है। कौन सी है फिर? गॉसिप गर्ल्स। गॉसिप गर्ल्स, यस। गॉसिप गर्ल्स तीसरी काफी अच्छी थी, मुझे मतलब उनकी याद आ रही है, प्लेयर की है। थर्ड
let's wrap up the video. I just want to ask the last question of the day and of the video. You already have so many dates till so far. So which one is your favorite? Special one, yeah. जो भी तुम्हें कुछ अच्छी लगी होगी आज तो तुम्हें याद होगी हाँ ये दिन हमारी अच्छी थी. नहीं नहीं, I tell you, when we met in Delhi after. When we met in Delhi and it was a government office and my cousin Divya thi जो उसका रिटर्न एग्जाम था गवर्नमेंट का आई गेस तब रिटर्न उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था एसएससी के हेडक्वार्टर पर. सो वी मेट देयर डेट हां ठीक है नॉर्मल इट वाज अ डेट. सो वी मेट ऑलमोस्ट आफ्टर 1 ईयर ऑलमोस्ट आफ्टर आई नो वेरी फनी बट यस दैट वाज अ रिमेंबरेबल. अच्छा तुमने अंत में मेरा दिल जीत लिया और हमारी लड़ाई नहीं होगी. बट मुझे लगा था जिस तरीके के आंसर डाल देगा आज तो गया. So that's all for this video. I hope you enjoyed watching some fun thing in between us. Like. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी आपको वीडियो. वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू से इट्स अ कोविड पेंडेमिक एवरीवेयर इट्स स्प्रेड ऑल ओवर द इंडिया. सो आई थिंक एवरीवन इज सेफ. सब घर पे सेफ हैं, कोई बाहर नहीं निकल रहा. द बैड सिचुएशन एवरीवेयर. सो वी थिंक कि सबको घर पे रहना चाहिए. सो स्पेंड योर टाइम विद योर फैमिली. जो ये टाइम है यू विल नेवर गेट इट अगेन. एंजॉय योर लाइफ. Don't feel depressed at home. Try to engage yourself in different activities ताकि आपका time अच्छे से pass हो सके. And slowly it will get over and you will be able to move out and enjoy your life as you were doing earlier. So enjoy this time also. Thank you.